ये आप लोगों का वॉल पुल का इंटेलीफेस का कन्वर्टेबल मोड का फ्रिज है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले आया अच्छा सा। हम फ्रिज को ऑन कर रहे हैं, फ्रिज ऑन हो गया, हाई लिखा आ रहा है। ये आपका 450 लीटर के ऊपर का फ्रिज का है। ओके, आपको अभी दिखाएंगे हम लोग इसका ATR ऑटोमेटिक टेक्स्ट टू टीम कैसे करते हैं। जैसे आपको सेंसर, RC सेंसर, FC सेंसर, कंप्रेसर, हीटर कैसे चेक कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, पहले देखिए यहाँ पे आप कहते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट। ओके, और ये वाला आती है फ्रिज कंपार्टमेंट, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। आपको दिखाया, देखिए फ्रिज ऑन हो गया। ये आती है इंटेली सेंसर का मॉडल। ये यहाँ पे जो देखें आप, देखिए इंटेली सेंसर का लोगो दिया हुआ है। इसको अगर दबाते हैं तो ये आती है ऑटो मोड। इसके अंदर 5 मोड आता है, जैसे आपका नॉर्मल फ्रिज जैसे आते हैं वैसे ही आती है, 5 मोड आती है। पहला आती है आपका ऑटो मोड, जो ये इंटेली सेंसर अगर दबाते हैं, देखिए आप ये सेंसर जो ऑन हो गया है, देख रहे हैं। इसको वो ऐसे रखेंगे और अंदर पे जो चीज़ है इसको अगर नॉर्मल पे रखेंगे, इस नॉब को, फ्रीजर नॉब को, इसको बोलते हैं ऑटो मोड। ओके, दूसरा आता है सेव मोड। सेव मोड बोल दो क्या, अगर कोई चीज़ मैरिनेट करके रखते हैं, गोश्त या चिकन, सुबह से शाम रखने के लिए उसमें बर्फ़ पकड़ लेता है। अगर सेव मोड पे आप लोग रखेंगे मैरिनेट करके, उसमें बर्फ़ नहीं पकड़ेगा। कैसे ऑन करेंगे, यहाँ पे जो कन्वर्टेबल मोड दिखाई दे रहे ऑप्शन है, इसको अगर दबाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और अंदर का जो नॉब है इसको बाया में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मिनी फ्रीजर पे, ये आपका आती है सेव मोड। सेव मोड पे रखेंगे सुबह से लेकर शाम तक मैरिनेट करके, वो गीला रहेगा, थक थके रहेगा, वो हार्ड नहीं होगा, बर्फ नहीं पकड़ेगा उसमें से। ये आती है दूसरा मोड। तीसरा मोड आता है डिजर्ट मोड। डिजर्ट मोड बोलो तो, बाहर से अगर आप लोग आइसक्रीम लेके आते हैं तो फ्रिज से रखने से क्या होती है, वो पिघल जाती है, यानी बहुत हार्ड हो जाती है। पूरा परफेक्टली टेम्परेचर में रखने के लिए उसको डिजर्ट मोड में रखना होता है। 4 से 5 घंटों खाने के लायक रहेगा, गलेगा नहीं और हार्ड भी नहीं होगा। कैसे ऑन करेंगे, ये कन्वर्ट मोड को दबाइएगा, कन्वर्ट मोड ऑन हो गया, और अंदर का जो नॉब है उसको नॉर्मल पे रखिएगा हमेशा, तभी डिजर्ट मोड ऑन होगा। ओके, यहाँ पे अगर आप आइसक्रीम रखेंगे वो पिघलेगा नहीं, जैसे टेम्परेचर था वैसे खाने के लायक रहेगा। चौथा आती है आपका पार्टी मोड। पार्टी मोड आपको ऑन करने से क्या होगा, जैसे कि ये डाउन टेम सिंबल देख रहे हैं, ये अप है, ये डाउन है। डाउन अगर जाएंगे आपको 1 तक आएगा और अप जाएगा 7 तक जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इसके ऊपर नहीं जाएगा। पार्टी मूड का मतलब क्या है, जब घर में शादी वगैरह माहौल रहता है या गेस्ट वगैरह कुछ आते हैं, ओकेशन रहती है, ऊपर और नीचे सामान, खाना, सब्जी वगैरह सब पूरा पैक्ड अप रहते हैं, पूरा ठंडा प्रॉपर रखने के लिए नीचे का सामान का ठंडा जरूरत ज़्यादा होती है, उस टाइम पार्टी मूड रखना होगा। पार्टी मूड ऑन करने के लिए क्या क्या करेंगे, ये जो डाउन है इसको डाउन करके 1 में लेके जाइए, और अंदर का जो नॉब है इसको बायां में रखिएगा मिनी फ्रीजर पे। ये हो गया पार्टी मोड। ऊपर से लेके नीचे तक जो भी कुछ रखेंगे पूरा चिल्ड रहेगा, पैक्ड अप, कोई चीज खराब नहीं होगा। ओके, पांचवा आता है डीप फ्रीजर मोड। डीप फ्रीजर मोड का मतलब क्या है, ये अगर डाउन 1 पे रहेगा और अंदर का जो नॉब है इसको डीप फ्रीजर में करना होगा। डीप फ्रीजर में करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होगा, नीचे कुछ ठंडा नहीं जाएगा, जो भी नीचे ये फ्रीजर रेफ्रिजरेटर कंपनी में जो भी खाना रखेंगे सब खराब हो जाएगा। ओनली फॉर ऊपर वाला जो खाना होती है पिज्जा करने के लिए, सोचिए कि आपका चिकन या गोश्त या मटन जो भी लेके आते हैं, मछली वगैरह, यहाँ पे रखने के लिए एक हफ्ता पूरा पिज्जा पे, जैसे वो खराब ना हो आप डीप फ्रीजर पे रख सकते हैं। ओके, तब आपको डीप फ्रीजर मोड यूज करना होगा। ये अगर नॉर्मल पे रहते हैं, ओके, इसको हम ऑटो मोड कर दिया, ये आ गया ऑटो मोड, यहाँ पे लेके ए लिखा आ जाएगा 3 मिनट के अंदर, यानी ऑटो मोड आपका ऑन हो गया। इसको अगर आप लोग नॉर्मल पे रखते हैं ऊपर 60% नीचे 40% ठंडा होगा। इसको अगर बाएं में टांग देते मिनी फ्रीजर पे ऊपर 50% नीचे 50% ठंडा होगा। ओके, इसको अगर डायना में टांग करते डीप फ्रीजर पे ऊपर वाला 80% फ्रीजर वाला रेफ्रिजरेटर वाला 20% ठंडा होगा, यानी ऊपर से ठंडा होगा नीचे कुछ ठंडा नहीं होगा, जो भी खाना रखें सब खराब हो सकती है। ओके, अब आपको आप दिखाएंगे इसका टेस्टिंग मैनुअल क्या है, कैसे इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। ऑटो टेस्ट रूटीन, आपका सेंसर फॉल्ट है या आपका कौन सा डोर का प्रॉब्लम है, आपका UI बोर्ड का, आपका सर्किट का, आपका कंप्रेसर का, आपका हीटर क्या खराब है, आप आपको दिखाएंगे अभी। ओके, पहले देखिए आते हैं
पहले फ्रिज को हम बंद करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं,